हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है। माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन पनपने से पहले शुक्र और मंगल पर भी जीवन था, लेकिन टाइम के साथ साथ इन ग्रहों से यहाँ पर जीवन जीने वाले जीव और सारे के सारे अदर ऑब्जेक्ट्स विलुप्त हो गए और फिर जीवन की शुरुआत हुई पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीवन तो आई और यहाँ लाखों टाइप्स के जीव जीते हैं, मगर इंसानों की बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि फ्यूचर में सभी का हाल वैसे ही होगा जैसे हो सकता है मंगल और शुक्र ग्रह पर हुआ होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्पेस में हैबिटेबल ग्रहों की खोज करने में लग गए और आज दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज और साइंटिस्ट के कारण ऐसे कई प्लैनेट की खोज हो चुकी है जिन पर फ्यूचर में मानव बस्ती बसाया जा सकता है। ये प्लैनेट है मंगल, शुक्र, टाइटन, एनसीलेडस आदि, जो सोलर सिस्टम के ही पार्ट है। इसके अलावा और कई सारे ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी की तरह ही है, बट ये प्लैनेट्स हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, मगर हम हमारे सोलर सिस्टम में तो आसानी से किसी भी ग्रह पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल, टाइटन जैसे ग्रहों पर अधिक रिसर्च कर रहे हैं। अब मार्स का तो एटमॉस्फेयर वैसे नहीं है जैसे हमको चाहिए। यहाँ पर 95.3% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.5% नाइट्रोजन है और 1% से भी कम ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मार्स को हैबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा, परंतु टाइटन एक ऐसा पिंड है जो पूरी तरह से रहने लायक है। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जिन पर जीवन पनप सकता है और मानव बस्ती बसाया जा सकता है तो वह है टाइटन। जी हाँ, टाइटन एक ऐसा चंद्रमा है जो भविष्य में इंसानों का घर होगा। टाइटन सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर दिखने वाला प्लैनेट शनि का चांद है, जो सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद यानी उपग्रह बृहस्पति ग्रह के चांद गैनीमेड है। टाइटन हम इंसानों के लिए काफी खास है, क्योंकि टाइटन इकलौता ऐसा उपग्रह है जिसके पास बहुत घना एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ 600 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचा वायुमंडल है। 1980 से पहले वैज्ञानिक टाइटन को ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद मानते थे, लेकिन जब 1980 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास से होकर गुजरा तो पता चला कि दरअसल यह जुपिटर के मून गैनीमेड से छोटा है। 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन गैस से बना टाइटन का वायुमंडल सोलर सिस्टम में सबसे विचित्र है। इसमें इन दोनों गैसों के अलावा जीवन जीने के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन भी है। आपको बता दे कि कहीं भी किसी भी स्थान पर जीवन पनपने के लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अहम भूमिका होती है। इसके बिना जीवन प्रक्रिया की कल्पना करना भी असंभव है। 15 अगस्त 1997 को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह की और मुख्य रूप से टाइटन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था। 6 साल अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के बाद 26 जनवरी 2004 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से टाइटन पर उतरने वाला अवतरण यान हाइगेंस टाइटन पर उतरा। इससे पहले जब वॉयेजर अंतरिक्ष यान यहाँ से गुजरा था तो उसने जो तस्वीर ली थी उससे यही स्पष्ट हो सका कि टाइटन पर एटमॉस्फेयर बहुत घने अवस्था में है, जिस कारण टाइटन की सरफेस थोड़ा भी नहीं दिखता था। इस वजह से टाइटन की पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु कैसिनी हाइगेंस को लॉन्च किया गया। हाइगेंस के कारण हमें पता चला कि टाइटन पर 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन उपस्थित है और नाइट्रोजन और मीथेन की बहुत तेज हवाएं चलती है यहाँ, जिसमें लाइटनिंग भी होती है और यहाँ वर्षा भी होती है। फर्क इतना है कि धरती पर पानी की वर्षा होती है और टाइटन पर मीथेन और इथेन की वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ नदी, झील और महासागर भी है। यहाँ पर महासागर की गहराई टोटल 1000 किलोमीटर है। यहाँ झील और महासागर पूरी तरह से मीथेन और इथेन लिक्विड की है। पानी यहाँ थोड़ी मात्रा में भी नहीं है, जहाँ तहाँ सिर्फ मीथेन लिक्विड की ही झील है। शनि ग्रह का यह चांद लगभग काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसे ही है,
बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ 71% हिस्सों में पानी है और टाइटन पर 40% हिस्सों में मीथेन लिक्विड की झील है। हमारे यहाँ ज्वालामुखी से खोलता हुआ लावा बाहर निकलता है और टाइटन पर ज्वालामुखी से बर्फीली अमोनिया और मीथेन निकलती है। टाइटन के आकार के बारे में बात करें तो टाइटन उपग्रह हमारे चंद्रमा और बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका डायमीटर 5149 किलोमीटर है और यह शनि से 1.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो शनि ग्रह से टाइटनीय लोक होने की वजह से बिल्कुल उसी प्रकार शनि की परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी के उपग्रह चांद पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यानी जब टाइटन शनि की परिक्रमा करते हैं तो इसका एक तरफ का हिस्सा शनि की ओर रहता है और एक तरफ का हिस्सा शनि की बाहर की तरफ रहता है। टाइटन शनि का एक चक्कर 15 दिन और 22 घंटे में पूरा करते हैं, जो खुद 29 साल में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है। जहां पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को आने में 8 मिनट लगता है, वही टाइटन पर सूर्य किरण पहुंचने में 80 मिनट लगता है। इतनी दूरी पर होने के कारण यहाँ धूप अच्छी तरह से नहीं पहुंचती है, जिस कारण से टाइटन की तापमान काफी हद तक कम है। टाइटन का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक है। यही एक वजह है कि यहाँ पर जीवन व्यतीत करना चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा यह हमारे पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, यहाँ पहुँचने में ही 7 ईयर्स लग जाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में वैज्ञानिक स्टार वॉर्स मूवी की तरह ही अंतरिक्ष यान बना ले, जिसे थोड़ी ही घंटों में एक नया ग्रह पर पहुंचा जा सके। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा यह तो नहीं आप जानते हैं और न ही हम, और वैसे भी करोड़ों साल तक पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला है। सो रिलैक्स रहिए और भविष्य की चिंता मत कीजिए, और सही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए।